मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी कर रहे हैं मेरी, मैं अपने घर वालों से मना कर रही हूँ तो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दें भाई, मैं भेजूँ जिस किसी के पास। बरेली के कैंट इलाके में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली जीनत ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़के से कुछ दिनों पहले शादी कर ली थी, जिसके बाद ये बात जीनत के परिवार वालों को नागवार गुजरी और उन्होंने लड़की को बंधक बनाकर उसको अपने ही समुदाय में दूसरी जगह शादी तय कर दी, जिसके बाद लड़की ने वीडियो वायरल कर अपने घर वालों के चंगुल से छुड़ाने की मदद की गुहार लगाई है। मैंने अपने घर वालों से बोला मैं नहीं करूंगी तो वो धमकी दे रहे हैं मारने की। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जबरदस्ती शादी कर रहे हैं मेरी। मैं जिस किसी के पास ये वीडियो भेजूं वे मेरी वीडियो थाने में पहुंचा दें। दरअसल कुछ समय पहले जीनत ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम ज्योति रख लिया था और सचिन शर्मा के साथ शादी कर ली थी। जीनत के घर वालों ने कैंट थाने में लड़के के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस मामले में पुलिस ने लड़की को बरामद कर घर वालों को सौंप दिया, जिसके बाद घर वालों ने जीनत की शादी अपने ही समुदाय के किसी अन्य लड़के के साथ तय कर दी। जीनत को घर में बंधक बनाकर रखा गया। जीनत ने किसी तरह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जीनत वीडियो के जरिए गुहार लगा रही है कि मेरे घर वाले मेरी मर्जी के बगैर दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं, कृपया मेरी ये वीडियो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। नगर से बोल रही थाना कैंट जिला बरेली, मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं मेरी जबरदस्ती। मेरा नाम है जीनत, मेरे पापा का नाम है असलम, मेरी मम्मी का नाम है गुड्डी। मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी कर रहे हैं मेरी, मैं अपने घर वालों से मना कर रही हूँ तो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे हैं शादी यहाँ से जयपुर ले जाके। 6 तारीख की शादी है, 3 तारीख को यहाँ से जाएंगे वो। मेरी ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दें भाई, मैं भेजूँ जिस किसी के पास। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो मेरी वीडियो पहुँचा दें, मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं जबरदस्ती। जिसके बाद इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के नेता पंडित के शंखधार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने लड़की को उसके परिवार वालों के चंगुल से मुक्त कराकर CWC में पेश किया, जिसके बाद CWC ने लड़की को अनाथ आश्रम भेज दिया है। SP City राहुल भाटी का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस वीडियो की हम जांच कर रहे हैं और जो आदमी है उससे संपर्क किया जा रहा है और उनसे लिखित में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जीनत की हिंदू धर्म में आस्था है और इस वजह से वो इस्लाम धर्म छोड़कर धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन गई है। अगस्त मुनि आश्रम में उसने सचिन शर्मा के साथ 7 फेरे लिए, लेकिन अब जीनत परेशान है।